अगर हम वायल ब्रिज के हवाले से बात करेंगे, एक देराना डिमांड थी, मेरे ख्याल से पिछले 20 साल से डिमांड थी कि इस पुल को नया बनाया जाए या बढ़ाया जाए। तो अगर हम देखेंगे पिछले 2-3 महीनों से इस पर तेजी से काम हो रहा है, एक अच्छा कदम है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है, खासतौर पर इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन वो बड़ी संजीदा है इस पर, और इस पुल पर जो है दिन रात काम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आने वाले महीनों में वो तैयार होगा, एक अच्छा कदम है। आपको पता है कितना सफर करना पड़ा था, तो कितने टाइम वहाँ पे जाम लगता था, खासतौर पर यात्रा के सीजन में। या आपको ये भी पता है कि उस इलाके से कितनी पॉपुलेशन है, तो लोग जो है वो सफर कर रहे थे, चाहे वो बच्चे स्टूडेंट्स की सूरत में हो या आम लोग की सूरत में हो, या हमारे मेहमान हजरात बाहर से आते हैं या यात्रा की सीजन है। तो इसको देख के हम देखते हैं, आज अगर हम बात करेंगे वाइल कदल की, एक अच्छा कदम है और बड़ा पुल बनने जा रहा है, तो हम एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए। वाइल ब्रिज में तो काम अभी तेजी से चल रहा है, तो इसके बारे में आपको भी पता है, इससे पहले भी आपको भी हमने आगाह किया था, जब आपने इससे पहले पूछा था। हमारा टारगेट है दिसंबर के एंड तक इसको कंप्लीट करने का। तो कुछ साइट पे कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है, वो आती रहती है, तो उसको हम ओवरकम कर रहे हैं डे बाई डे। बाकी इसमें मेन ब्रिज है, ऑलमोस्ट वी आर ऑन टाइम। इसमें भी 10-15 दिन के बाद इसकी डेक स्लैब कास्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप देख रहे हो खुद भी शीटिंग, डेक शीटिंग कम्प्लीट हो रही है, विद इन 3-4 डेज ये भी कम्प्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद इसमें डेक स्लैब कास्ट करेंगे, उसके बाद ब्रिज तो ऑलमोस्ट फिर थ्रू हो जाएगा। उसके बाद अप्रोच आ रहे हैं, अप्रोच से भी काम चल रहा है, मणिगाम साइड से भी और वाइल्ड साइड से भी। यहाँ पर हमको थोड़ा रियालाइन करना पड़ा इसको, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत इसमें टाइम में थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि पहले की अलाइनमेंट इसमें अप्रोच की डिफरेंट थी, तो उसको फिर हमें शिफ्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, डिज़ाइन की वजह से। तो उसमें भी थोड़ा ट्रैफिक डाइवर्जन देना पड़ेगा, उसका हम वेट कर रहे हैं। वंस ट्रैफिक डाइवर्जन हो जाएगा तो हम इस अप्रोच पर भी काम तेज़ी से स्टार्ट होगा। ट्रैफिक जाम का जहाँ तक सवाल है, वो तो ट्रैफिक का मसला है, लेकिन इस ब्रिज का जहाँ तक ताल्लुक है, ये हमने पहले भी बोला कि दिसंबर के एंड में या बाई नेक्स्ट ईयर जनवरी में ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आपको भी, आप खुद भी देख रहे हैं कि काम तेज़ी से चल रहा है। इसके मैंने आपको बताया दो कंपोनेंट है, ब्रिज पार्ट है और अप्रोच पार्ट है। अप्रोच का हमारा इंपॉर्टेंट है, उस साइड से भी हमारा काम चल रहा है, इस साइड से भी काम चल रहा है। और तो लोगों को एक्स्ट्रा डिफिकल्टी हो जाएगी जब हम यहाँ पे, हमें ट्रैफिक डाइवर्जन देना पड़ेगा। हमको, हमने अभी तक अवॉइड किया, हमने खुद ही यहाँ पर डिफिकल्टीज फेस की, बट अभी तक ट्रैफिक डाइवर्जन हमने अवॉइड किया। लेकिन हम अब उस पॉइंट पे आ गए हैं कि ट्रैफिक को अब डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो तब जाके अप्रोच यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी।